हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 2021 रॉयल एनफील्ड हिमालयन के बारे में। हाँ जी दोस्तों, हिमालयन में इस बार कुछ नया किया गया है। बेसिकली मैंने थोड़े दिनों पहले वीडियो बनाई थी, वो आई बटन में आपको आ रही होगी। उसमें मैंने बताया था कि 3 नए कलर आने वाले हैं और साथ ही साथ आपको ट्रिपर नेविगेशन भी मिलने वाला है। लेकिन आज मैं आपको और भी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हेमंत भट्ट और आप देख रहे हैं मोटो दोस्त। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसके 3 नए कलर्स के बारे में। हाँ दोस्तों, पहले कलर की बात करें तो वो है पाइन ग्रीन। अब देखिए, पाइन ग्रीन मेरा फेवरेट कलर है। मैं हमेशा से चाहता था कि आपकी जो हिमालयन है वो एटलीस्ट ग्रीन कलर से मिलते जुलते किसी कलर में आए, और हाँ कंपनी ने मतलब ये बात सुनी और ग्रीन कलर में इसको लॉन्च किया। उसके अलावा बात करें, दूसरा कलर है आपका ग्रेनाइट ब्लैक और तीसरा कलर है मेरा सिल्वर। 2 कलर और ये भी जो आए हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन पाइन ग्रीन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसके अलावा दोस्तों आपको बताऊं, जो पहले 6 कलर चल रहे थे उनमें से भी कंपनी 3 कलर को डिसकंटिन्यू करने की सोच रही है, जिसमें अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं है। लेकिन इतना पता लगा है कि जो हाल ही में कंपनी ने लेक ब्लू हो गया, रेड कलर हो गया और ग्रेनाइट कलर लॉन्च किए थे, उनको कंपनी नहीं डिसकंटिन्यू करेगी। जो पुराने वाले कलर थे उनको डिसकंटिन्यू करने वाली है, अभी तक यह इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन अभी पक्की नहीं है। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो इसमें आपको न्यू सीट विद बेटर पैडिंग मिलने वाली, यानी जो इसकी पैडिंग है उसको कर दिया गया है, पहले से ज्यादा अच्छी क्वालिटी की आपको इसमें पैडिंग मिलने वाली है। ऑब्वियसली बात है दोस्तों, इसमें हम लॉन्ग रूट्स करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, साथ ही साथ ऑफ रोडिंग भी करते हैं, ऑफ रोडिंग की ही ये बाइक है, तो इसके जो पैडिंग है उसको अच्छा करना तो कंपनी का बनता ही था। उसके अलावा दोस्तों हम बात करें तो इसमें आपको लॉन्गर वाइजर मिलने वाला है, जो आपको स्मोक्ड फिनिश के साथ मिलेगा, आपको इमेजेस में साफ नज़र आ रहा होगा। और सच में हाँ, ये जो वाइजर है वो पहले वाले छोटे से वाइजर से ज़्यादा बेटर लग रहा है। अब उसके अलावा मैं क्लियर वाइजर की बात करूँ, वो भी अच्छा लगता है, लेकिन अगर एक स्मोक्ड वाइजर की बात करें तो वो ज़्यादा बेटर लगता है, ज़्यादा ट्रेंडिंग लगता है। इसके अलावा दोस्तों बात करें ट्रिपर नेविगेशन के बारे में। देखिए, ट्रिपर नेविगेशन के बारे में ऑलरेडी पहले भी आपको बता चुका हूँ, आई बटन में आई रही है, डिस्क्रिप्शन में भी आप जाके देख सकते हैं। तो मैं बताऊँ भैया, इसमें वही आपको नेविगेशन सिस्टम मिलने वाला है जो आपको रॉयल एनफील्ड मेटियोर 350 में मिलता है, एज इट इज़ वैसा ही मिलने वाला है। लेकिन अगर मैं लुक्स की बात करूँ तो इमेजेस आपके सामने हैं, कुछ इस तरह का आपका ट्रिपर नेविगेशन देखने में होने वाला है। उसके अलावा दोस्तों बात करें हम और क्या फीचर हैं, दोस्तों इसमें फीचर और भी बढ़ाए गए हैं। इसमें दोस्तों जो आपका फ्रंट रैक था उसको रीडिज़ाइन किया गया है, अब आपको पहले से ज़्यादा इसमें आपको कंफर्ट मिलने वाला है उन पर्सन को जिनकी हाइट ज़्यादा होती है। बेसिकली हिमालयन में प्रॉब्लम क्या थी कि जिन लोगों की हाइट ज़्यादा होती थी उनको प्रॉब्लम आती थी, इसमें एक मतलब कंफर्ट जोन नहीं मिल पाता था। लेकिन अब रैक को दोबारा रीडिज़ाइन करने की वजह से आपको पहले से ज़्यादा बेटर कंफर्ट अब इसमें मिलेगा। पहले मैंने आपको सीट के बारे में बताया कि सीट इसकी बेटर पैडिंग रहेगी, मतलब पैडिंग क्वालिटी को पहले से ज़्यादा सुधार दिया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ आपको एक चीज़ और बता दूं कि इसमें आपको न्यू सीट कवर्स मिलेंगे जो पहले से ज़्यादा अच्छे लगने वाले हैं। एंड मैं आपको बाद में बता दूं कि इसमें आपको पाउडर कोटेड स्पोक व्हील्स मिलने वाले हैं, बेसिकली स्पोक रिम्स मिलने वाले हैं जो आपके पाउडर कोटेड रहेंगे। ये भी अच्छी बात है, आपको मतलब फीचर्स बढ़ाए गए हैं। और देखिए, इन सारे फीचर्स को बढ़ाने का सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो भी आप प्राइस बढ़ा रहे हैं कहीं ना कहीं वो मतलब मैनेज हो जाती है, मतलब कि इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि वो जो प्राइस आपने बढ़ाई है वो जस्टिफाई हो जाती है। एंड में दोस्तों बात करें कि इसका अब प्राइस, मतलब इतने सारे फीचर्स कंपनी एक्स्ट्रा दे रही है तो प्राइस कितना इंक्रीज होने वाला है, तो जो भी खबरें आई हैं उसके हिसाब से आपको 6,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। हाँ जी दोस्तों, हिमालयन आपकी 6,000 रुपये अब महंगी होने वाली है। ओवरऑल दोस्तों एंड में बात करें तो देखिए, नए जो 3 कलर आए हैं मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे। मैंने पहले ही बताया पाइन ग्रीन कलर तो मेरा फेवरेट कलर हो चुका है, अगर मुझे हिमालयन लेनी होगी तो मैं पाइन ग्रीन कलर में ही लूँगा। और हिमालयन की अगर बात करें तो हिमालयन एक ऐसी बाइक है ऑफ रोडिंग में अगर मैं बात करूँ तो इंडिया में सबसे ज़्यादा सेल होती है, तो ऑब्वियसली बात है ये कंपनी को इसमें कुछ ना कुछ नया करते रहना चाहिए। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि कंपनी अब इसमें इंजन में भी कुछ नया करे, बेसिकली इसके पावर टॉर्क को बढ़ाने की सोचे और इंजन में ऐसा भी करे कि हाँ, जैसे खबरें आ रही थी कि 650 वाला इंजन अब इसमें यूज़ किया जाएगा, तो हाँ दोस्तों कंपनी को 650 में भी हिमालयन को लॉन्च करना चाहिए। और देखिए, जो पर्सन ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हमें और ज़्यादा पावर मिले, उनको मुझे लगता है कि 650 से मतलब सेटिस्फाइड रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, वीडियो का यहीं पे अंत और समाप्त करते हैं। एंड में बस आपको मैं ये कहूँगा कि मैंने पीछे जो एक वीडियो बनाई थी कि 8 अपकमिंग ऐसी बाइक्स के बारे में बनाई थी जो रेट्रो क्लासिक लुक की होने वाली हैं, जो 2021 में लॉन्च होने वाली है, अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं आई बटन में आ रही है, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।